आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के सभी विभाग और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया। एनसीपी नेता और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस और राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस पर लागू नहीं होगा। प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट कर लिखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब के अनुमोदन से राष्ट्रीय स्तर के सभी विभाग और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है। इसमें राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस और राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस शामिल नहीं है। इसके साथ ही महाराष्ट्र या किसी भी राज्य इकाई को भंग नहीं किया गया है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी, जिसके बाद कांग्रेस और एनसीपी सत्ता से बाहर हो चुकी है। राज्य में बीजेपी के सहयोग से शिवसेना के बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी डिप्टी सीएम हैं। इस घटना के बाद विपक्ष की ओर से राष्ट्रवादी राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए शरद पवार का नाम सामने आया था। हालांकि पवार ने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया था और इसके लिए उन्होंने विपक्षी दलों का आभार भी जताया था।